उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान भी सामने आया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उन्होंने बयान दिया है। समिट को लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर ग्रुप और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। 19,000 करोड़ रुपए के MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तराखंड में निवेश के प्रति लोगों की रुचि भी बढ़ी है, इस बात की जानकारी भी दी गई है। 19,000 करोड़ के लगभग आज निवेश के करार भी हुए हैं और ये हमको बहुत ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन बड़ी कंपनियों के साथ आज हमारे निवेश के करार हुए हैं उनमें GSW, DS ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, यथार्थ हॉस्पिटल और अनेकों अन्य समूह भी उसमें शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में आज लोगों ने जो करार किए हैं और इसके अतिरिक्त हमको अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसका हम आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हमारे ब्यूरो चीफ राव शफत अली, ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। राव शफत अली, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समिट को लेकर क्या क्या कार्यक्रम सरकार ने अब आयोजित करने का प्लान बनाया है, क्या तैयारी चल रही है, क्या अंतिम रूप उन तैयारी को दे दिया गया है या फिर अभी बाकी है? कमल, देखिए तैयारियां जोरों पर हैं और देश विदेश के जो निवेशक हैं उत्तराखंड में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जो MOU है वो साइन हो चुके हैं, विदेशी कंपनियां आने के लिए तैयार है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का देश विदेश के जो प्रस्ताव है वो मिल चुके हैं निवेश के लिए। और क्योंकि दिल्ली में रोड शो था तो 19,385 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव राज्य सरकार को मिले। ये बड़ी उपलब्धि है। इन्वेस्टर समिट से पहले ही राज्य सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव आ रहे हैं और बड़ी कंपनियां, देखिए यथार्थ हॉस्पिटल है, DS ग्रुप है, फूड प्रोसेसिंग की बड़ी कंपनियां है और ओबेरॉय ग्रुप है, रेडिसन ग्रुप है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। ये अलग अलग कंपनियां उत्तराखंड में आने के लिए तैयार है और 19,385 करोड़ रुपए के MOU रोड शो के दौरान, बैठक के दौरान दिल्ली में ये साइन हुए हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार का प्लान है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दूसरे महानगरों में भी इसी तरह का रोड शो करेंगे जो बड़े महानगर है और उम्मीद है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है उसके आसपास राज्य सरकार पहुंच जाएगी। एक बड़ी चुनौती है जो लक्ष्य रखा गया, अगर इतना बड़ा लक्ष्य पार पा लेती है और ये कामयाबी मिल जाती है धामी सरकार को तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और विरोधियों की भी नजर होगी इस इन्वेस्टर समिट पर, राव शफत अली खास तौर पर। जी कमल बिल्कुल, क्योंकि 2018 में जब इन्वेस्टर समिट हुआ था उस वक्त तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार थी और भाजपा की सरकार थी तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि अब धामी सरकार भी इन्वेस्टर समिट कर रही है और 2018 का जो समिट है उसका हिसाब किताब दीजिए, कौन से यहाँ निवेशक आए, कौन से यहाँ उद्योग लगे, कितना रोजगार दिया, ये तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए। ये बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से देखें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है राज्य सरकार के लिए कि निवेशकों का आना उत्तराखंड में लाजमी हो, जरूरी हो, क्योंकि तभी रोजगार के रास्ते खुलेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे, पलायन रुकेगा, राजस्व बढ़ेगा। राज्य सरकार इस ओर काम कर रही है, कदम बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है कि पिछले जो निवेशक है वो उत्तराखंड नहीं आए और अब नया जो है वो कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस खबर पर।